दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं आपकी या फिर आपके फैमिली मेंबर में किन्हीं का भी आधार कार्ड से आप चेक करना चाहते हैं कि उनके नाम से कितने सिम कार्ड चल रहा है, तो उसे आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो आप चेक कर रहे हैं और आपको लगता है कि उस आधार कार्ड से जो नंबर इशू किया गया है वो नंबर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और यूज़ किया जा रहा है, तो उसे दोस्तों आप बंद करा सकते हैं, उसे रिपोर्ट करा सकते हैं। तो क्या है प्रोसेस, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम यह वीडियो देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे आप प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करूँगा इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन पर गूगल क्रोम को ऑन करके आप दोस्तों सर्च कीजिएगा TAFCOP, टैफ कॉफ लिख करके सर्च कर दीजिएगा। आपके सामने फर्स्ट में ही दोस्तों ये वेबसाइट मिल जाएगा, इस वेबसाइट पर आपको आना होगा। जैसे दोस्तों इस वेबसाइट पर आप आते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, तो जो भी आपके पास इस समय आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करके आप सेंड OTP पर क्लिक कर दीजिएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक नंबर इंटर कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद उस नंबर पर आपको एक OTP प्राप्त होगा, उस OTP को यहाँ पे सबमिट करना होगा और उसके बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों OTP आ चुका है और इस OTP को हम वहाँ पे सबमिट करेंगे, 1466608। OTP सबमिट करने के बाद जैसे ही दोस्तों आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखेंगे कि आपके आधार कार्ड के साथ कितने मोबाइल नंबर यूज़ हो रहे हैं और उस मोबाइल नंबर को आप यहीं से बंद करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस नंबर से मैंने OTP प्राप्त करके सबमिट किया इस वेबसाइट पर और हमारा जो आधार कार्ड है उसके साथ जितना भी मोबाइल नंबर इशू हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर दोस्तों यूज़ हो रहे हैं वो नंबर यहाँ पे लिस्टिंग में आपको दिखेंगे। तो अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है उसे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहीं से दोस्तों आप देख सकते हैं, आप उसे बंद करवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिम कार्ड आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों उसे आप बंद कर सकते हैं और इसे आप कंप्लेंट करवा सकते हैं। तो यही था दोस्तों प्रोसेस, आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड के साथ कितने मोबाइल नंबर यूज़ हो रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक दोस्तों आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।